HTML क्या है, ये क्वेश्चन आपने पूछा, HTML क्या है? हाँ, HTML जो है इसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको इस लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। अगर आप एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, अगर आप वेब डिजाइन का काम कर रहे हैं, तो आपका जो सामना होगा वो सबसे पहले आपको HTML को समझना होगा। इस HTML की को समझने के बाद ही, इस HTML कोर्स को करने के बाद ही आप एक वेब डिजाइनर बन सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। इसके बगैर आपका वेबसाइट नहीं बनेगा, वेब डिजाइन नहीं होगा, ठीक है। तो आज जो मैं बात कर रहा हूं स्पेशली HTML के बारे में, तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि यह एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। और इसके आधार पर हम कोड राइट करते हैं, और उस कोड के एवज में हमें कुछ डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, कुछ बातें शो होती हैं, जो हमारा रियल पेज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, वेब डिजाइनिंग के लिए HTML की आवश्यकता पड़ती है, और HTML के बगैर आप वेब डिजाइनिंग का काम नहीं कर सकते, आप वेबसाइट नहीं बना सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे कौन सीख सकता है? HTML को कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। अगर आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की जानकारी है, तो आप इसे 5 दिन से लेकर के 10 दिन के अंदर पूरी जानकारी आप HTML की ले सकते हैं। अगर आप भी एक वेब डिजाइनिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या इसको करियर बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने नॉलेज को बिल्ड करना चाहते हैं, अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो HTML आप सीख सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में, मिनिमम कोर्स ट्रेनिंग फीस पर। इसके लिए जो है HTML या वेब टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया का जो बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वह है आपका SST ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में वर्क करता है। वहां पर जाकर के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट, आपने जो मुझसे पूछा था HTML क्या है, ये जानकारी आपको मिल गई होगी। एक वेब डिजाइन के लिए, एक वेबसाइट बनाने के लिए किन बातों की जरूरत पड़ती है, इसे भी मैं चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि ये भी आप जानना चाहते होंगे। और दूसरी बात कि इस कोर्स को करने के बाद क्या मुझे लाभ मिलेगा, क्या एडवांटेज है, कितनी सैलरी मिलती है, ये भी जानना चाहते हैं, उसे भी मैं आपको बता देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक वेबसाइट डिजाइन का डिजाइनर बनना चाहते हैं, वेब डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले HTML सीखना होगा, CSS सीखना होगा, और कुछ जो है ग्राफिक डिजाइन, यानी जो जिसे इमेज वगैरह आप कैसे सेट करना है, इसकी जो है बेसिक जानकारी लेनी होगी, और कुछ जो है आपको क्या जानकारी रखनी होगी, आपको एनिमेशन की जानकारी रखनी होगी। अगर ये आप कर लेते हैं, इतनी चीजें जान लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको आपको वेबसाइट बनाने में काफी मदद मिल जाएगी, और बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आपने इस कोड को सीख लिया, अगर आपने HTML CSS कोड को सीख लिया, तो आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो दुनिया चल रही है, वो डिजिटलाइजेशन हो चुका है, पूरा डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन इंटरनेट पर डिपेंड हो चुका है। तो यह कोर्स आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। आपको यह भी जानकारी मिला कि HTML क्या है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर इसको आपने किया, और अगर किसी कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं, तो आपको क्या सैलरी मिलेगी। तो शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं, इस लैंग्वेज को सीखने के बाद जो आपको सैलरी मिलती है, वह सैलरी 25,000 से प्लस मिलती है, यानी अगर भारतीय रुपए की बात करें तो 25,000 रुपए से अधिक सैलरी आपको मिलेगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, यह सैलरी भी बढ़ती जाएगी। और दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि इस लैंग्वेज को सीखने के बाद आपकी जो कमाई होती है, वो अनलिमिटेड कमाई शुरू हो जाती है। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे, और आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल चुका होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।